क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे जो कि सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है, है ना। इसमें देख सकते हैं एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तीन वर्टिसेज पर तीन डिफरेंट मास रखे गए हैं, यहाँ पर 1 केजी का, यहाँ पर 1.5 केजी का और यहाँ पर 2.5 केजी का, जो साइड का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो इस क्वेश्चन में इस सिस्टम का जो है सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 3 पॉइंट पार्टिकल्स ऑफ मासेज 1.0 केजी, 1.5 केजी एंड 2.5 केजी आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट ए पॉइंट, उस पॉइंट का लोकेशन बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हम लोग पढ़ते हैं m1x1 प्लस m2x2 m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। मैं क्या करता हूँ कि जो 1 केजी का पार्टिकल है ये जहाँ पर है इस कॉर्नर को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, है ना। इधर ले लेते हैं x एक्सिस और इधर ले लेते हैं y एक्सिस, है ना। 1 केजी को इसलिए ओरिजिन मान रहे हैं क्योंकि जो ऑप्शन है, ऑप्शंस में 1 केजी जो है, 1 केजी के बारे में बताया कि 1 केजी जो मास है उससे कितना डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास है, इसलिए 1 केजी को ओरिजिन मानना पड़ेगा। तो इसको m1 लेते हैं, m1 है 1 और x1 है 0 क्योंकि ये ओरिजिन पर है, है ना। इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट 3, 0 और इसका कोऑर्डिनेट 0, 4, है ना। तो ये जो पार्टिकल है इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस इसका देखेंगे इसका मास है 1.5 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट है 3, प्लस ऊपर वाले की बात करेंगे तो मास है 2.5, x कोऑर्डिनेट उसका 0 है, है ना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 4.5, है ना, 4.5 बाई 5, एक्चुअली में आ जाएगा 0.9 सेंटीमीटर, है ना। उसी तरह से अगर सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 जो है 1 केजी फिर से और इसका कोऑर्डिनेट y1 जो है वो 0 है, m2 1.5 इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो है 0, है ना। तीसरा मास है ये जिसका मास है 2.5 और y कोऑर्डिनेट है 4 डिवाइडेड बाई मास 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट 0.9 और y कोऑर्डिनेट 2 सेंटीमीटर, है ना। मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं इधर होगा, है ना। इधर होने का मतलब ये हुआ कि जो हाइट है y कोऑर्डिनेट 2 सेंटीमीटर और इधर राइट साइड में 0.9 सेंटीमीटर। तो 1 केजी मास के राइट साइड में 0.9 सेंटीमीटर और इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर। तो देखेंगे यहां पर जो सेकेंड ऑप्शन है क्या बता रहा है, 0.9 सेंटीमीटर राइट, है ना, 1 केजी से 0.9 सेंटीमीटर राइट एंड 2.0 सेंटीमीटर एबव 1 केजी मास, है ना। 1 केजी मास जो है उसके राइट साइड में और उसके ऊपर, राइट साइड में इतना और ऊपर इतना, है ना।